अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बेसन चावल की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही पुरानी रेसिपी है। चलिए स्टार्ट कर। सबसे पहले हम चावल तैयार करें, इसके लिए मैंने एक पतीला लिया, उसमें एक चम्मच ऑयल डाला है। अब उसमें हम दो ग्लास पानी डालेंगे, क्योंकि हमारे चावल एक ग्लास है। पानी आप अपने हिसाब से डालें, कोई चावल को ज़्यादा लगते किसी को कम। अब इसे हम ढक देंगे और उबाल आने देंगे। हमारे पानी को भी अच्छी तरह उबाल आ चुका है। अब उसमें हम एक चम्मच नमक डालेंगे और उसमें अब हम मैंने ज़ीरा राइस लिया है, उसे 15 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था। अब उसमें डाल देंगे और उसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसे आधी प्लेट ढक देंगे ताकि जोश ना जाए। हमारे चावल भी अच्छी तरह पकने आए हैं। अब इसे हम अच्छी तरह हिला लेंगे और मीडियम फ्लेम पर ढककर दम पे रख देंगे और दूसरी साइड कढ़ाई रख देंगे। अब कढ़ाई में हम 2 चम्मच ऑयल लेंगे, उसमें 1/2 चम्मच ज़ीरा डालेंगे। उसे कुछ सेकंड के लिए अच्छी तरह तेल में फ्राई कर लेंगे। ज़ीरा भी अच्छी तरह फ्राई हो गया। उसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज डाल देंगे और उसे हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। हमें मीडियम फ्लेम पर ही तैयार करना है, तब तक हम मसाला तैयार करेंगे। 8 से 10 हरी मिर्च, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ और ज़ीरा। अब इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे। प्याज में मैंने कड़ी पत्ता भी डाल दिया है। प्याज भी हमारी फ्राई हो गई और उसमें हमने पीसा हुआ दरदरा सा हरी मिर्ची डाल देंगे। अब इसे भी हम अच्छी तरह भून लेंगे। मिर्ची का कच्चापन निकल जाए तब तक हम उसे भूनते रहेंगे। अब उसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, 1/2 चम्मच के करीब मैंने हल्दी डाल दी है। उसे भी कुछ सेकेंड के लिए भून लेंगे। उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। हमारी मिर्ची अच्छी तरह भून चुकी है, उसमें हम 2 ग्लास पानी डाल देंगे। अब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे और उसे हम ढक देंगे, इसे अच्छी तरह उबाल आने देंगे। तब तक हम बेसन तैयार करेंगे। मैंने 1 कप के करीब, 1 कप से थोड़ा कम है, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसकी गुठलियाँ अच्छी तरह फोड़ लेंगे। उसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, वरना हमारा बेसन बिगड़ सकता है। इस तरह का घोल तैयार कर लेंगे। थोड़ा उबाल आ चुका है, अब इसी तरह हम उसमें घोल डाल देंगे, हमारा बेसन का घोल उसमें डाल देंगे। एक हाथ से डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से हिलाते जाएंगे। हमें इसे हिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना उसमें गुठलियाँ भी पड़ सकती है। और चम्मच चलाते जाएंगे, जब तक इसको उबाल ना आता तब तक हम हमारा चम्मच चलाते जाएंगे। हमें फ्लेम मीडियम ही रखनी है। बेसन को उबाल आ चुका है, अब उसमें हम ऐड करेंगे हरा धनिया। हरे धनिया से भी बेसन को बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। उसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब उसे हम इस तरह ढककर कम से कम 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। इस तरफ हमारे चावल भी बहुत ही अच्छी तरह पक चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, एकदम खिले खिले से चावल तैयार हुए हैं। और दूसरी तरफ हमारा बेसन भी बहुत ही अच्छा तैयार हो गया है। बेसन चावल रेसिपी मेरी इस ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे आप रोटी से भी खा सकते हो, गेहूँ की रोटी, बाजरे की रोटी, किसी से भी आप उसे खा सकते हो। बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही टेस्टी, उसके साथ प्याज बहुत ही टेस्टी लगती। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।